हे वेंकटेश्वर, रुद्र को तो होश ही नहीं आया, मतलब मैं ये सब इमेजिन कर रही थी। रुद्र, 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 डॉक्टर, 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 नर्स, जल्दी, डॉक्टर, वो, रुद्र। नर्स, शॉक मशीन रेडी करो फास्ट। हे वेंकटेश्वरा, इतना कुछ सहा मैंने, रुद्र ने, मेरी बच्ची ने, उसके बाद अब मिले हम। 5 साल बाद रुद्र के पास हूं मैं। अब अलग मत करना रुद्र को मुझसे, अब नहीं खो सकती मैं रुद्र को, प्लीज वेंकटेश्वरा। ये क्या हुआ है डॉक्टर? लेकिन आप कौन है? आपको अंदर किसने आने दिया? मैं रुद्र की पत्नी हूँ। वैजयंती रुद्राक्ष खुराना। क्या हुआ इन्हें डॉक्टर? नर्स फास्ट। क्या वैजय रुद्र की पत्नी? रुद्र की शादी वैजयंती से? रुद्र ने वैजयंती से शादी कर ली? मेरी अपनी बहन ने? कैसे, क्यों? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ इन्हें? रुद्र को कुछ भी कीजिए लेकिन इन्हें ठीक करिए डॉक्टर। मैम प्लीज बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। नर्स प्लीज इन्हें लेकर जाइए। आप रुद्र को देखिए, क्या हुआ है इन्हें? वैजयंती ने मुझे देख लिया तो मैं जाती हूँ यहाँ से। पर रुद्र इस हालत में ऐसे जिंदगी के लिए लड़ रहा है, इसे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। वेंकटेश्वर प्लीज, रुद्र को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। नहीं, मैं नहीं जा सकती, रुद्र को मेरी जरूरत है। अब मैं और नहीं रुक सकती। देख ले मुझे वैजयंती, कोई परवाह नहीं है, मुझे रुद्र को बचाना है कैसे भी। थैंक्स गॉड, ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। थैंक यू वेंकटेश्वर, अगर रुद्र को कुछ हो जाता तो मैं नहीं जी पाती। रुद्र, मैं तुम्हारे पास नहीं, मैं रुद्र के पास कैसे जाऊं, किस हक से जाऊं? रुद्र ठीक है, अब नहीं रुकना चाहिए मुझे, यहां रुक भी नहीं सकती। Vitals are normal. Doctor, अब तो रुद्र ठीक है ना? वो उन्हें कुछ नहीं होगा। Yes, he is safe. Don't worry. रुद्र, तुमने वैजयंती से शादी की, मेरी बहन से? क्यों रुद्र? कैसे किया तुमने? अब ये दर्द कैसे सहूं मैं? कैसे मानूं इस सच्चाई को? मैं 5 साल हर दिन हर पल तुम्हारे लिए जीती रही, तुम्हारी यादों से दिल धड़क रहा था। अब तक दूर होकर भी कभी खुद से दूर नहीं कर पाई तुम्हें, लेकिन तुम रुद्र पीछे छोड़ दिया मुझे, आगे बढ़ गए, किसी और को शामिल कर लिया अपनी जिंदगी में, भूल गए मुझे। विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने तो अपने जैसा माना था तुम्हें, लगा था अनजाने में ही सही तुम्हें भी मेरा इंतजार होगा जैसे मुझे रहा इन 5 सालों में, लेकिन यह मेरा वहम था। रुद्र, तुम तो शादी कर चुके हो, वो भी वैजयंती से, ने प्रीशा के बिना अपनी नई जिंदगी बना ली है। अगर तुम्हारी खुशियां वैजू के साथ ही है तो मैं तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आऊंगी, तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी मैं। नहीं रुद्र, अब मैं तुम्हें कभी नहीं पता चलने दूंगी कि तुम्हारी प्रीशा जिंदा है। प्रीशा, I'm really sorry. नहीं बंटी, कुछ नहीं बोलोगे तुम, अब कुछ नहीं सुनना मुझे, मुझे जाना है। प्रीशा मेरी, ये ठीक है, अभी इन्हें रैश की जरूरत है, आप प्लीज बाहर जाइए और इन्हें रैश करने दीजिए प्लीज।
शुराब, मेरी आंखों में आंसू देखकर एक बार फिर मेरा दिल तोड़कर हमेशा यही करते हो। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं रुद्र के पास वापस जाऊंगी, हम एक साथ जिएंगे, एक साथ जिंदगी बताएंगे, वो खुशियां जिएंगे जो हमारे हिस्से की है, हमेशा आप कोई ना कोई अड़चन हमारे बीच में ले आते हो। अरे अगर आप नहीं चाहते कि हम एक हो तो एक किया ही क्यों? अगर आप नहीं चाहते हमारी चाहते पूरी हो तो फिर चाहते दी ही क्यों? 5 साल से दूर थी ना मैं उससे, फिर क्यों लाए उसे मेरे सामने? वो भी तब जब वो किसी और का। मैं तो उसके पास जाने के लिए तैयार थी, उसे बताने के लिए तैयार थी कि मैं जिंदा हूँ, रूही तुम्हारी बेटी है। लेकिन तब आपने क्या किया? क्या किया आपने? वैजयंती को मेरे सामने ले, वैजयंती उसकी पत्नी, मेरी अपनी बहन से शादी कर ली रुद्र ने। क्यों? क्यों? ये सही नहीं किया जो इतना बड़ा सच दिखा दिया। ये सच जाने के बाद मैं रुद्र के पास वापस नहीं लौट सकती, नहीं जा सकती उसके पास, क्योंकि उसकी जिंदगी में मेरे और रूही के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इसलिए अब मेरे पास एक ही रास्ता है, एक घर छोड़कर, एक गांव छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी, इतना दूर कि रुद्र मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा।